अस्सलाम वालेकुम अरमान। आज हम थोड़ा सा जानते हैं एक आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग के बारे में। इसमें हम लोग टू द पॉइंट वो बात करेंगे जो कि एक कंटेंट राइटिंग करते हुए अहम है और जो कि हमें जानना जरूरी है। ठीक है, मेरे पास एक कुछ टिप्स लिखी हुई है, हम इनको एक एक करके रिव्यू करेंगे और जानेंगे एक्चुअली क्या वो ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे आपका आर्टिकल मजीद बेहतर हो सकता है। ये सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये हर लैंग्वेज पे एप्लीकेबल है और बस इसके अंदर जो है ना कुछ एसईओ के अंदर चेंज आएगा लैंग्वेज बेस्ड। क्योंकि देखिए इंग्लिश की जो वर्थ है, वर्थ वर्थ से मुराद मेरा मतलब है कि जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उर्दू, तो उसमें वहाँ पे हमें थोड़ा सा एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे क्या चीज़ है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ जो है ना कॉन्टेंट राइटिंग के लिए घूमेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है ना कहले टेक्निक वो है क्रिएट ए कैची टाइटल। कैची टाइटल मतलब एक बहुत ही जो है ना आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली, कह लें कि आपको अपनी तरफ, उर्दू में मुझे लफ्ज नहीं पता चल आता वो कि अपनी तरफ जो है ना माइल करने वाला कहेंगे इसी तरह कुछ ना। तो क्रिएट ए कैची टाइटल, आपका टाइटल ही ऐसा हो कि जो लोगों को अट्रैक्ट करें। अब देखिए टाइटल के लिए जो है ना जरूरी नहीं है कि आप जो है ना कोई उसके अंदर कोई ऐसी कोई स्कीम वगैरह लिख रहे हो या कुछ ऐसी की चीजें लिखें कि वो कोई स्कीम हो कि 1000 रुपये कमाएं और यूं करके इस तरह करके। जरूरी नहीं है कि आपके इस तरह के टाइटल लिखें कि जिससे जो है ना लोग अट्रैक्ट हो। इसकी कुछ क्वालिटी मेथड्स भी हैं टाइटल लिखने के, वो हम देखते हैं। सबसे पहले है प्रॉमिस और सोल्यूशन, मतलब जो आप ऑफर करना चाह रहे हैं ना, यानी आप जो कंटेंट लिखना चाह रहे हैं सॉरी, उसमें आप कुछ ऐसा लिखें यानी उसका टाइटल में कुछ ऐसे लिखें कि आप जो है ना उसको किसी मसले का हल बताना चाह रहे हैं किसी रीडर को, जिस तरह के 5 दिन के अंदर हाइट लंबी करें या इस तरह करके, यानी किसी चीज़ का सोल्यूशन, यानी इस दम से इस दवाई से आप जो है ना ये मर्ज का इलाज करें फलाना, तो आप किसी सोल्यूशन के बारे में उसे बता रहे हैं। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। दूसरा है बी कंसाइज ना, यानी आप जो है ना अपने टाइटल को कुछ बहुत लंबा ना कीजिए कि भी इस तरह करके हाउ टू गेट अ जॉब इन 20 सेकेंड्स बाय मेकिंग दिस दिस इस तरह करके, ये एक बहुत बड़ा टाइटल हो जाएगा। तो इसमें आपको बी कंसाइज मतलब बहुत ही मुख्तसर रहना है, आपने टू द पॉइंट और सही बात जायज बात समझ आ जाए उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 6 से 13 वर्ड टाइटल जो है ना या हमारे पास मोस्ट ट्रैफिक गेन करते हैं जो इंटरनेट के ऊपर अपलोड होते हैं कंटेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये एसईओ की हैं, हम आगे नेक्स्ट में देखेंगे क्या है। ठीक है, तो आपने अपने टाइटल को मुख्तसर तरीन बनाना है। और आज का क्वेश्चन कि लोगों से आप जो है ना एक क्वेश्चन बेस्ड टाइटल आप लिखें। क्वेश्चन बेस्ड टाइटल मतलब कि जो है ना उसमें आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या आप वो, इसके लिए आपको जो ना सर्वे एनालिसिस करना होगा लोगों के हालात का, लोगों के बारे में आपको न्यूज़ का पता होना चाहिए। अब इस तरह इसके आज के क्वेश्चन में क्या आप महंगाई से तंग हैं? अब आपको पता है कि भाई महंगाई का दौर चल रहा है तो हर कोई तंग होगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन ही वो पूछा जिसमें कोई ना नहीं करे, मैक्सिमम लोग ना नहीं करेंगे, यानी बोलेंगे हाँ हम महंगाई से तंग हैं। तो आपने अपने जो है ना टाइटल का हिस्सा बना लिया, क्या आप महंगाई से तंग है, तो लोग आके जो है ना फिर देखेंगे। तो इस तरह करके मौजूदा हालात को एनालाइज करें, लोगों के मसाइल को देखें, डिफरेंट तौर तरीके से उनको ढूंढें और फिर उसके बाद अपने टाइटल का इसको हिस्सा बना लें, अपने टाइटल के ऊपर ट्रैफिक गेन करने के लिए। ठीक है, अब स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये एक बहुत ही जो है ना कॉमन सी चीज़ है कि आपका जो स्टार्ट होना चाहिए ना वो इंतहाई उम्दा हो, वो इंतहाई मियारी हो और उसमें इंतहाई काम की बात हो, उसमें रीडर वहीं से रीडर का जो है ना इंटरेस्ट डेवलप भी होना शुरू हो सकता है, वहीं पे लूज भी होना शुरू हो सकता है। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है, आपने जो अपना पहला जो पैराग्राफ, मैं तो कहूँगा सेंटेंस तो चले ठीक है, लेकिन पहले पैराग्राफ को बहुत ज़्यादा आपने जो है ना तवज्जो से उसको लिखना है। तो जैसे मुराद के आपका जो अब टाइटल आपने लिख दिया ना, अब टाइटल के बाद उसकी जो है ना तशरीह और जो उसकी मुना, यानी आपने ना उसको आगे अब अलाइन करना है टेक्स्ट को टाइटल से,
टाइटल जस्टिफिकेशन टाइप आपने काम शुरू करना है कि अब आप जो है ना टाइटल कि आप कुछ ऐसी बात स्टार्ट करें जो कि अब टाइटल के साथ अलाइन हो रही है, यानी लोगों को मजीद जो है ना इंटरेस्ट डेवलप करना है ना आपने टाइटल के अंदर। तो हमने परसे पढ़ लिया कि 6 से 13 लाइन के अंदर वर्ड्स के अंदर हमने सॉरी ये करना है, लेकिन अब हमें उसके अंदर जो है ना मजीद दिलचस्पी लानी है उस आर्टिकल के अंदर उस टाइटल के बाद। तो उसके लिए हमारे पास कुछ शुरू में टेक्निक्स हैं जो हमने आजमानी है, पोज अ क्वेश्चन ना, मतलब कि भाई आप जो है ना कोई जो है ना अब टाइटल में तो जितनी गुंजाइश थी हमने कर दिया, अब हम जो है ना इधर एक क्वेश्चन कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हम लोग करें कि कह लें क्या हुकूमत चेंज होगी, क्या कह लें कि पाकिस्तान में ये कंपनी अपना सेटअप खोलेगी, तो फिर उसके बाद फिर आप शुरू हो जाए अपनी तहरीर लिखना उस सवाल उस क्वेश्चन के जवाब में ना। तो एक ये टेक्निक है कि अब जो है ना वो परेशान हो जाता है पढ़ने वाला कि इसने जो क्वेश्चन एड्रेस किया है कि उसको अब मैं आगे जरा देखूं कि वो इस उसकी जो है ना जस्टिफिकेशन किस तरह ये दे रहा है बंदा, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रेजेंट सरप्राइजिंग फैक्ट, मतलब कि आप जो है ना शुरुआत इस तरह करें जो आप शुरू इस तरह करें अपना कंटेंट का कि आप जो है ना कोई उसमें फैक्ट कोई ऐसा फैक्ट लिखें, कोई ऐसा सरप्राइजिंग बात लिखें, यानी कि भी क्या आप लिखते हैं कि आजकल थोड़ा सा पॉलिटिकल ही चल रहा है, तो मैं उसी की मिसाल दे देता हूँ ताकि सर किसी को इजीली अवेलेबल हो मिसाल वेरीफाई करना भी। अब जिस तरह आप लिखते हैं कि पेट्रोल 70 रुपये का हो चुका है, ठीक है, फिर यानी एक सरप्राइजिंग फैक्ट है ये, ठीक है। या फिर एक जो है ना आप लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं कि भाई कुछ भी आप लिख सकते हैं कि जो ना पाकिस्तान में ये जू बन गया है, पाकिस्तान में नया मॉल बना है, इस तरह के कुछ ना कुछ आप इस तरह का सरप्राइजिंग फैक्ट लिखें जो बहुत ही यूनिक हो इनफैक्ट, ठीक है, इन आम बात ना हो। तो जब यूनिक बात हो और उसके बारे में मजीद आप जब एक्सप्लेन करेंगे तो यानी तो यूजर तो वो आपके जो रीडर है वो तो आपके साथ वो इन लाइन में आ जाएगा कि भाई हाँ अच्छा ये नई खबर है, तो चलो फिर इसको आगे मैं देखूँ कि ये ना आगे क्या हो रहा है एक्चुअली। तो इसके बाद हम जो है ना हमारे पास है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, यानी कोई ऐसी जो है ना स्टेटमेंट हो जो जिसमें कंट्रोवर्सी हो, जिसमें जो ना तो थोड़ी सी कह लें कि आपस में कोई खिलाफ कल की बात हो या कंट्रोवर्सी, मतलब कि भी आप जो है ना उसमें कोई ना कोई इख्तलाफात आ सकें डिफरेंट लोगों के, या कह लें कि सिंपल अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो एक ऐसा कोई टॉपिक हो जिसके अंदर हर बंदे की अलग राय हो और वो जिस तरह होती है हमारे डिस्कशन और टॉक पैनल्स इस तरह, ठीक है। राइट कंसाइसली हमने ऊपर भी देखा है कि भाई इसके अंदर आपने शॉर्ट सेंटेंसेस लिखनी, सेंटेंसेस के जो फुल स्टॉप होता है ना आपने बस उससे आपने अंदाजा लगाना है कि जो है ना आपका अगर तो 2 लाइन के अंदर अंदर लग रहा है फुल स्टॉप तो ठीक है, वरना अगर 3 लाइन के बाद लग रहा है फुल स्टॉप एक सेंटेंस का तो गड़बड़ है, ठीक है। एक कह लें कि नॉ स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बता रहा हूँ आपको, तो इसलिए आपने ख्याल करना है कि सेंटेंसेस लंबे ना हो, बात को अगर बात बड़ी हो रही है तो 2 सेंटेंसेस में लिखें, लेकिन सेंटेंस बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं बड़ा होना चाहिए सेंटेंस बड़ा, क्योंकि देखें जब एक सेंटेंस चलता है ना तो वो रीडर कंटिन्यूसली उसको रीड करता है। अब आप एक ही सेंटेंस के अंदर इतनी ज्यादा बातें लिख देंगे कि रीडर को याद रखने में मुश्किल होगा, रीडर को उस देखें ना एक ही सेंटेंस के अंदर मल्टीपल मुनासिबत से बातें आने लग जाएंगी ना, कि भाई आपने एक ही 2-3 चीज़ों का जिक्र एक ही सेंटेंस में करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो है ना रीडर का एक तो इंटरेस्ट लूज होगा, एक तो रीडर को बात सही से समझ नहीं आएगी क्योंकि 2-3 चीज़ें एक साथ मिक्स होने लग जाएंगी, और रीडर को कंटिन्यूसली जब रीड कर रहा होगा तो वो उसको थोड़ा हेक्टिक लगना शुरू हो जाएगा और इवेंचुअली वो छोड़ देगा आगे पढ़ना, ठीक है। तो आपके कंसाइसली होने चाहिए सारे सेंटेंसेस, पैट होने चाहिए, पैट मतलब टू द पॉइंट, ठीक है। और आपके पास जो है ना कह लें कि उसके अंदर एक्सेसिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए, एक्सेसिव वर्ड्स मतलब यही कि जो है ना आप इंफॉर्मेशन जो देना चाह रहे हैं वो टू द पॉइंट आप कन्वे कर रहे हो, ये ना हो कि आप काफ़ी जवाब लिखने बैठते हैं ना आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि जो है ना हम लोग ये 2 चीज़ें हैं हर सेंटेंस में अक्सर लिख जाते हैं जिनका मतलब एक ही होता है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है ना एडवर्ब्स
यानी ये अभी एक वैसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम पहले देखेंगे कि हमारे पास क्या, आप लोग कौन सी लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हैं, फिर उसकी मुनासिबत से अगर मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो लेकिन अगर मैं जो है ना इन कह लें कि इसको जो है ना शॉर्ट वर्ड्स में बताना चाहूँगी, तो मैं इसको अभी आगे बताता हूँ। फिल वक्त अगर हम जो है ना रिडंडेंसी की बात करें, तो मैंने मेरा ये कि जो ना एक हम लोग जो है ना समटाइम जो है ना कुछ एक ही सेंटेंस के अंदर जो है ना दो ऐसी चीज़ें पर लिखते हैं जिनका मतलब सेम होता है, या फिर इसकी दूसरी मिसाल ये होती है कि अब देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो लिटरल होती, लिटरली एक ही बात मतलब होता है, कि अब देखें हार्मलेस और कम्प्लीटली हार्मलेस, इसमें एग्जाम्पल लिखी हुई है। तो हार्मलेस का मतलब होता है कि भाई कोई नुकसान ना देने वाला, यानी कोई नुकसान नहीं देने वाला, और कम्प्लीटली हार्मलेस, हाँ हार्मलेस मतलब बिल्कुल कोई नुकसान नहीं देने वाला। अब उर्दू में भी इसका तर्जुमे से समझ आ रही है कि अब कोई चीज़ कोई नुकसान आपको किसी सूरत दे ही नहीं रही, तो आप उसके साथ बिल्कुल का लफ्ज़ क्यों लगा रहे हैं, बिल्कुल क्यों लगा रहे हैं आप ना, तो ये एक रिडंडेंसी है, यानी वो चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, यानी अपना मायने बार बार रिपीट कर रही है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एक तो वर्ड काउंट बढ़ेगा, वर्ड नंबर ऑफ वर्ड जितना सेंटेंस बढ़ेंगे, और इसके बाद कह लें कि वो भी वही है कि ओवरऑल जो है ना जब आपकी जो टू द पॉइंट बात तो हो ही नहीं रही, वो तो फिर आप उसके अंदर एक ही मायने को घुमा रहे हैं, ठीक है। और बाकी एडवर्ब्स का मैं आपको उर्दू में इस तरह समझा सकता हूँ कि देखिए जब आपके पास जो है ना एडवर्ब्स के अंदर वीकर वर्ड्स, यानी आपके पास जो है ना जब वीकर वर्ड्स के साथ हों, ठीक है, वीकर वर्ड से मुराद इसकी सच एग्जाम्पल मैं आपको डिटेल में बल्कि बताता हूँ, ये जो है ना इसमें आपको इस तरह समझ आए, क्योंकि मुझे उर्दू में नहीं एक्सप्लेन करना आ रहा है इसी तरह, तो मैं आपको फिर इसका जो है थोड़ा सा खुद करके बताऊँगा, ठीक है। एडिट योर वर्क एंड देन एडिट अगेन, वेरी क्लियर एंड सिंपल। देखें जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं तो उसको रीचेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसको आप जो है ना पहले उसको थॉरली जो है ना आप उसको उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, आप उसको देखें कि जो है ना आपने एक जो लिख लिया है उसके बाद आपने उसको एडिट भी करना है, ठीक है। आपने उसके अंदर जो है ना सब चीज़ें उसको रीचेक करनी है, आपने उसको जो है ना सब उसके चेक करना है कि क्या टेंसेस और जो सेंटेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर्स, ये सब चीज़ें करेक्ट हैं कि नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना चेक करनी है आपने सिंपल। तो ये तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये जो है ना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए चाहे आप व्हाट्सएप पे लिखे, फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करूँ, पे अटेंशन टू वीडियोस, नाम से जाहिर है लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए आप कंटेंट चाहे वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं चाहे व्हाट्सएप के लिए लिख रहे हैं, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेजरली जो आजकल मोस्टली लोग ऑब्जर्व है ना, वो ये है कि उसके साथ कोई इमेज एसोसिएट हो, ठीक है। एक जब इमेज होती है ना तो ऑटोमेटिकली बंदा उसकी तरफ जो है टेक्स्ट, अब जिस तरह हमारे पास अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई अनाउंसमेंट्स आ रही है तो उस वो पोस्टर के साथ होगी ना, किसी पोस्टर उसके साथ लगा होगा और उसके नीचे टेक्स्ट लिखा होगा, तो लोग ज्यादा उस पोस्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे बनिस्बत वो पोस्ट के जिसके नीचे सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट होगा, कोई विजुअलाइजेशन होगी ही नहीं। यानी अक्कासी कहते हैं मेरे ख्याल से उसको, कि आप जो है ना जो लिखी हुई बात है उसको जो है ना उसकी इससे मुतलका इमेज भी डिस्प्ले करें, ठीक है। वेबसाइट में तो ये 100% रिक्वायर्ड है आपने मिल, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई लिखें कंटेंट उसमें शेरो शायरी हो या कुछ भी हो, तो उससे मुतलका इमेज एक जो है ना उस मैसेज के साथ जरूर अपेंड करें, उसके साथ जरूर डालें, ताकि लोगों की जो है ना तवज्जो ज़्यादा उस तरफ आए। और उसके बाद जो है ना हमारे पास जो है ना कह लें कि कुछ जो टेक्स्ट के बेस पे है हमारे पास, ठीक है, जो हमने टेक्स्ट के बेस पे इसकी विजुलाइजेशन बनानी है, तो वो यूँ है कि जो है ना फर्स्ट सेंटेंस के जो है ना स्ट्रक्चर्स आपके पास जो पैराग्राफ्स के स्ट्रक्चर्स प्रॉपर मौजूद हों, पैराग्राफ्स के अंदर हो जिससे पता चले कि आप बात का मौजू का थोड़ा सा मुनासिब चेंज हो रही है, बुलेट पॉइंट्स में हों आपके पास, पॉइंट्स में लिखी हो कुछ चीज़ें बीच के अंदर जो है ना, अगर हमारे पास जो इन जनरल होता है 500 वर्ड्स का ना हमारे पास आता है, तो
एक नॉर्मल आर्टिकल, तो उसके अंदर दो पैराग्राफ के बाद फिर इमेज हो, फिर उसके बाद बुलेट पॉइंट्स भी हो, तो ये सब चीजें हमारे हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, फॉर्मेटिंग होगी, फॉर्मेटिंग हम इसको भी डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट में, कि फॉर्मेटिंग एक्चुअली यही है कि जो है ना आपके पास, आपको पता हो कि आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, या फिर आप जो है ना कह लें कि जिस जगह पे आपने यूज करना है, तो वहाँ हर जगह का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, उसको आपने फॉलो करना है। ये ऐसा जो है ना अभी आपके काम नहीं आएगा, ये पॉइंट सिर्फ इन जनरल, जब आप जनरल लिख रहे हैं और वो आर्टिकल, तब ये आपको इतना काम नहीं आएगा। ये भी आपको जो है ना जब आप प्रॉपर वेबसाइट के लिए डिप्लॉय करने लगेंगे ना, तब आपको ये ज़्यादा काम आएगा। बाकी है इसके अंदर यूज़ कीवर्ड स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, यूज़ कीवर्ड स्ट्रेटेजिकली क्या मतलब, सिंपल ये है कि यानी है तो ये बिल्कुल SEO, लेकिन इसके अंदर मेजर चीज़ जो समझने वाली ना वो ये है कि जब जो भी आप लोग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे ना, वो कह लें कि उसके अंदर जो है ना आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। ठीक है, उसके अंदर वही है कि मैंने आपको बताया था कि उसकी जो है ना गूगल ट्रेंड्स एक वेबसाइट है, उस पर आप देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स ट्रेंडिंग है, आप उनका इस्तेमाल करें अपने कंटेंट में। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नहीं इस्तेमाल करनी। वो क्या है, इस वो है, वो हम इधर से पढ़ते हैं ना, इस लिंक को खोलते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स का मैंने पहले भी ऑलरेडी बहुत बता चुका हूँ, अभी देखें। अभी इसके अंदर जो है ना मेजर, अभी जो ये सारी बातें ना, ये बहुत ही डीप SEO बेस्ड है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिल वक्त जो पढ़ने वाली बात है ना, जो मेजर, मैं इन सब का अगर समरी और खुलासा बताऊं, तो उसके अंदर ये है कि जो है ना आपने, आपकी जो वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर भी है ना कोई बाइंग लिंक्स नहीं होनी चाहिए, कोई स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए। स्पैमिंग से मुराद की भी आपके जहाँ पे आपका आर्टिकल है, आसपास जो है ना वो शॉपिंग उसके वेबसाइट्स के भी एडवर्टीजमेंट चले जा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए आपका। यानी आपके जो जिस वेबसाइट पे आर्टिकल डिस्प्ले हो रहा है, वो उस वेबसाइट पे कुछ तरह के जो है ना एडवर्टीजमेंट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना, अब कीवर्ड्स का तो आपको पता है, ये कीवर्ड्स आपको बहुत फायदे देंगे, लेकिन टू मच आपने कीवर्ड्स नहीं यूज करने शुरू कर देने, हर मौजू के रिलेटेड कीवर्ड्स आप उसमें ऐड करना शुरू कर दें, तो ये एक्चुअली गूगल के पास कुछ टेक्निक्स हैं जिससे वो एनालाइज करता है कि इस बंदे, इस शख्स ने ना अपना मकसद पूरा करने की कोशिश की है, या रीडर को सही कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की है। तो गूगल के पास एल्गोरिथम है, वो चेक कर लेता है। प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए चीजें। ठीक है, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली कुछ परसेंटेज होती है कह लें कि प्लेजरिज्म की, लेकिन उस परसेंटेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए प्लेजरिज्म। तो बस आज का इतना ही था कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट थोड़ा SEO बेस्ड हम पढ़ेंगे, जो चीज़ें रह गई हैं वो एडवर्ब वाला। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।